भारत को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को पसार। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, इधर तब कोई बड़ी बात तो है। तो हम लोग भी एक दिन इसको हासिल कर लेंगे। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। Welcome to the last leg of our journey on Mission Election Jammu and Kashmir. I'm in Jammu city, the city of temples, Duggar Desh, but also the Jammu region that maintained its peace for 30 years when the Kashmir Valley was burning. In many ways also maintaining its unity in diversity, while people who had to flee from the border areas with Pakistan or from the Kashmir Valley found shelter in Jammu region. But sadly, it is the terror cases that have now spiked in Jammu region. So I decided to find out what people of Jammu have to say in 2024 J&K Assembly elections. Let's begin then and find out. क्या चाहिए आपको आगे की सरकार, जो भी सरकार है, क्या करना चाहिए जम्मू के लोगों के लिए? खाली हम चाहते हैं कि कारोबार बढ़े, टूरिस्ट बढ़े यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बोलोगे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। अब ले कह रहे बनने के लिए अभी तक बनी नहीं है। बनी नहीं अभी तक? अभी तक कहाँ बना, काम ही नहीं है, काम लगा हुआ है। तो गर्मी है थोड़ी अभी, इसलिए नहीं, गर्मी के कारण नहीं है, टूरिस्ट बाहर से इतना नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर। अच्छा, जो भी पे फोकस होना चाहिए टूरिज्म का, टूरिज्म का, क्योंकि जो भी आएगा कश्मीर में जाएगा तो जम्मू में कौन आएगा? क्या जम्मू इग्नोर्ड फील करता है कश्मीर पे इतना फोकस? यस यस, उसमें क्या है कि जो पहली जो गवर्नमेंट थी ना, वो यहाँ पे एनसी गवर्नमेंट होगी या पीडीपी गवर्नमेंट होगी, वो सारी कश्मीर सेंट्री की होती थी। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के टाइम में काफी यहाँ पे देखे, अब स्मार्ट सिटी बन गया है, पहले इतना ब्यूटीफुल नहीं था ये बाजार, अब बड़ा ब्यूटीफुल हो गया है और जम्मू भी अब काफी डेवलप हो रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने काफी ज्यादा इसको कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा बनाया है इसको, लेकिन उन्होंने कश्मीर को भी किया, उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जम्मू में मोदी फैक्टर पे वोट जाएगा, लोकल कैंडिडेट पे वोट जाएगा, किस किस बेसिस पे आपको लगता है लोग वोट करेंगे? मैक्सिमम तो मोदी फैक्टर पे जाएगा अभी भी। हाँ यस, क्योंकि लोग मोदी जी के बड़े फैन है। कैसा माहौल है अभी, कुछ आ रहे हैं नेता आपके यहाँ शॉपकीपर्स के पास? अभी कोई नेता नहीं आया हमारे पास और जो जो जम्मू के नेता है सबसे थर्ड क्लास, सबसे धंधे नेता है। बाजार टूटा है वो रिपेयर हो जाए, फुटपाथ रिपेयर हो जाए, लाइटें अच्छी होनी चाहिए, जो जरूरी है ये सुनते नहीं। जम्मू वाले मुझे याद है बहुत उम्मीद थी उनको 2019 के बाद कि शायद अब फोकस उन पे आएगा, तो आपको लगता है डिसअपॉइंट हो गया वो जो? बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है इस गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू मंदिरों का शहर है जी। देखो जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वैसे एक ही मुद्दा होता कि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो फिर उसमें क्या गलत है? गलत ये है कि ये डेवलपमेंट भी करे ना मंदिरों को, टूरिस्ट को बोले ना कि फलाना मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे है। सबसे जम्मू का फेमस बाजार है, हाँ, सबसे और बाजार की हालत देखो, बिजनेस अंदर सब खाली बैठे हुए हैं। तो अब आपके माइंड में मोदी फैक्टर है कि लोकल कैंडिडेट फैक्टर है? हम तो सिर्फ मोदी जी की वजह से मोदी जानते हैं, लोकल फैक्टर तो बिल्कुल जीरो है। मोदी का भी विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, मगर हम उनसे थोड़ा सा डरा है कि
हमारे दादे परदादे टाइम के संकेत जुड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी से। अच्छा, आप हैं ट्रेडिशनल बीजेपी वोट, लेकिन आपको लग रहा है कि ग्राउंड लोकल लीडर्स में प्रॉब्लम हो? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ठीक चल रही है, मोदी सीट ठीक है, मोदी उनसे हमारी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम है, ना ही नाराजगी है। हम कहते हैं कि हमारे जो जम्मू के लीडर है ना, जो जम्मू की आवाज सुने। एवरी स्ट्रीट आई वॉक ऑन इन जम्मू, अ सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट रेजोनेटिंग दैट दे फील इग्नोर्ड, that the leaders do not pay heed to the public on ground, who have been voting consistently in record numbers for India's democracy every single election. मैंने आप देखा बहुत सीरियस बैठे हैं, ये आपका होटल है? जी। अभी कैसा है, फुल है? नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा, चार दिनों का खाली, चार पांच दिनों का बिल्कुल खाली, टूरिस्ट नहीं है ना कोई आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए जो भी नेता, अभी तो इलेक्शन सीजन है, तो उनको आपको अगर आप बात सुन रहे, क्या करना चाहिए जम्मू के लोगों के लिए, शॉपकीपर है रघुनाथ बाजार में? नेता कहाँ सुनेगा, कोई भी नहीं सुनता नेता, नेतों को सिर्फ अपना वोट लेना है। तो आप कैसे वोट डालोगे, सेंटर को देख के, स्टेट को देख के, पार्टी को देख के, प्रधानमंत्री मोदी को देख के? मोदी जी को देख के तो डालना पड़ता है, लेकिन ये है कि मैं जम्मू के जितने भी जो MLA खड़े हुए हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बलबूते पे कोई जीत के बताएं फिर पता लगे। तो मोदी फैक्टर है अभी? मोदी फैक्टर तो मतलब उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। काम नहीं आते, काम नहीं होगा तो आगे क्या करेगा? जब मेरा पांच दिनों के होटल खाली पड़ा तो मैं क्या करूंगा? ये तो बहुत सीरियस बात आप कह रहे हैं, तो और ऐसा और भी लोगों का सिचुएशन आपको सभी के यही हाल है, ये थोड़ी कि देखो आप बाहर ही बैठे हैं। द फ्यूचर ऑफ जम्मू विल बी डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। आई मेट अ यंग एंटरप्रेन्योर साहिल वर्मा हु को ओन्स द प्योर मार्ट, an e-commerce website based in Jammu. Yeah. What is it about? Tell me, can you show me around? It's about all the indigenous products of Jammu and Kashmir. Okay. We are sourcing directly from farmers. So it's around 2011 when I thought of starting this company. I'm a pharmacist by profession. Oh. And we thought of a big pain and a big gap in the market, wherein people were complaining about substandard qualities being sold in the tourist areas. And also that there was a pain of the farmers, wherein they were getting a cut in the market, mm-hmm. in that farmers market in Jammu and in Anantnag, they were not getting paid on time. So I thought of bringing a startup which could help both the sides, mm-hmm. the consumers and the farmers who are producing it. So you're a first time generation entrepreneur, but this is also the election season. Yeah. And kuch charcha ho rahi hai aise businesses ko leke, because this is a small time business, so a lot yeah. depends on your daily kind of work that happens. Yes. What do you want netas to do for you? Are you getting any sarkari help right now? Sarkari help I would defer here, because we are doing this from last 12 years, and in fact this industry is around 200 years old. If you see the help which government should do to set up a manufacturing hub for the machinery which we require here to process the walnuts, that we are lacking here. Another thing is the registration of this mandi, which is held up from last 12 years. That is also pending, because we are not getting loans based on our buildings. We are not able to resell. So that's the major point. And so basically the registration, you're saying? Yes. Licensing. Licensing. That's been due from last 10 years, and there's phase one of the mandi, which is already that lease is expired, and these guys are running that business from their own pocket from last 2 years. So and what are the two points that elected government? Number one, number one, they should look over the registration process and the subsidy process of machinery, generators and all other schemes what they are promising. That should be very transparent and very fast, because we are working in a digital age. We cannot wait for 2 years to hang up on a subsidy, right? So that process has to be very quick, because otherwise what will happen is the youngsters like me, they will lose the motivation and they will stop working towards the subsidy. They will do whatever they can do at their own. So what is in your mind? What do you want government to do for Jammu region? Because always the focus is Kashmir Valley. When I go to vote, our elections are coming and we are going to vote in first week of October. So definitely when I see that voting machine, I cannot vote against national. I cannot vote for National Conference, Congress, because our main blood is totally patriotic, right? So this is only BJP who actually will work on the main motives of solving the problem of Jammu. So I'll definitely vote against for them.
फॉर बट फॉर बीजेपी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे In August 2019, people of Jammu region supported the abrogation of Article 370 in hope that Jammu will now also get deserving focus and Pakistan's interference will end. So I decided to approach successful professionals of Jammu city to know if their expectations have been fulfilled. How are you? All well. How are you, Ajay? Thank you. Thank you. I have met around 400 students from last 1 year. They want 4 E's. Employment is required. We don't have a huge investment here, only on papers, but I have not seen from after 2019 any good organizations are coming over here. Second, education. Even though education is there, but still we don't have a big universities. Ease of doing business for local. It's very, very tedious. What are you doing? You're running after, you know, agencies or the industries which are outside J&K. What about the people who are already doing business here? Strengthen them also. And fourth E is the engagement. You just need to engage with youth in Jammu. You need to engage with rest of the people in Jammu. What do you think you should get? I should get, it's Jammu and Kashmir. So we must have and Kashmir. It shouldn't be just like Ajay ji said, that it's not like only about Kashmir. And in my language, I call it Jammu blindness. Because whenever someone sees Jammu and Kashmir, Jammu is as silent as K is silent in knowledge. If someone's listening to you right now, leaders are listening to you, what do you think should come to Jammu? We have just one Narayana Hospital in collaboration with Shri Mata Vaishnavi. So it was pre-2019. But after 2019, I was expecting that there will be more chains like Fortis, Apollo, these other big chains must be coming because the hurdle has been removed. But unfortunately, there was for Jammu. I'm giving one example what I want for Jammu. For Kashmir, after 2019, there is a Paras group of hospitals established running. There is another hospital that came up by Amandeep group of hospitals that has just been inaugurated. Another hospital is coming up. But for Jammu, we just heard and saw in news and read in newspaper that MOU has been signed between Apollo Hospitals and J&K administration. And what happened to that MOU, I don't know. But you tell me, what should Jammu do? Because it looks like Jammu is expecting from everyone. What is it that people of Jammu need to know that they are listening to you right now? Jammu needs to wake up. This is post-2019. Now we can't blame our Article 370 and 35A. Now we are totally free. We are fully integrated with our country, India, that we wanted in 1947 itself. So for the people of Jammu, I would like to say that we must ask for our due. We have been silent. We are very good people. I am saying on record. We are nationalists. Of course. Most of us, on one call, we will go to border and sacrifice our lives. A party should stop taking us for granted. They should earn our votes also. Jammu region has a unique identity. Prominent Dogra ethnicity, Pahari culture at the borders, and a melting pot of all communities. But many say they are fast losing it all. Jammu region Samba is known as the city of sheets. Not many know about the region's calico printing, almost dead, is now witnessing a revival with the help of government schemes and Jammu residents. Samba Sakhi is one such business enterprise employing rural women. So Mansi, can you explain to me what precisely is happening? What is this calico art? Actually, this is an ancient art of our own state. इतना इसका awareness नहीं है कि हमारे ये महाराजा रंजीत सिंह, he brought the people of Chippa community and taught the people here to do this art of block printing or calico printing. Calico was the name of the fabric, जो raw fabric होता. So अब ये है, this is a languishing art and we are working on its revival basically. So I have these bunch of rural women artisans who are making these designs now. You say revival. Does this mean it's almost dead for Jammu region? It was actually totally dead because abhi bhi hamare paas wo jo historically jo families kar rahi thi wo nahi hai because nobody is pursuing it as an art. Nayi training. This is absolutely new training which is happening. But government is working a lot on the revival of it. Yes. How? Tell me that because I was about to ask if the government is supporting or not. We would want GI tagging for it. GI tagging ke liye we have to prove how is it different from, you know, other block prints happening. Yes, yes.
exactly. Then onboarding on ODOP. We want that jise clusters iske develop kiye jaye, more and more people to be involved in it. Jitne zyada log kaam karenge, jitne zyada log pehnenge, jitne zyada log khareedenge, tab ye revival ki why is it, you know, Kashmiri art is so popular, so famous, internationally renowned, but it's like nobody cares about Jammu's art. I'm sorry, but that's how it looks to me. Actually, we have to. It's our fault also. We cannot blame the government for everything, you that's know. That's true. Because we do not have that kind of passion for it. The ironic reality of Jammu Kashmir is at this location, the Jagati Refugee Colony. A township on the outskirts of Jammu city for internally displaced Kashmiri Pandits, voting at special polling booths for their original address in Kashmir, from where they were forced to leave. Namaskar, namaskar. Wow. Sab kahan se alag, kahan kahan se hain aap? Kashmir mein. आप हमें थोड़ा बताइए. कंगन से है. बारामूला. आप बारामूला से हैं. मैं भी अभी बारामूला से आ रही हूँ. हमा का दलवा, मेरा मातामाल. वेरी गुड, लवली. वो में है जोश की करना है वो. हाँ, आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं. सारे ना ऐसे फील करें जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है. फेस्टिवल हो रहा है. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे माहौल किसकी साइड लग रहा है? बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, बार बार मोदी जी. इतना भरोसा है? हाँ, भरोसा बहुत है. क्या काम किया? 370 हटाया है, राम मंदिर बनाया, आज हम सर उठाकर जीते हैं. अच्छा, आपको लगता मोदी जी जिंदाबाद? उम क्या कह रहे थे, क्यों उम्मीद है आपको? अब हम सीधे के चले जाएंगे अपने घर चले. आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, डर होके जाते हैं. पहले तो डर लगता था. पहले तो कांग्रेस पीडीपी इनकी हुकूमत थी, हमारे खूनों से इन्होंने राजनीति की है. तो अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, पूरा यकीन है. जॉब का भी इश्यूज है? जॉब का भी है इश्यूज. लोग ओवर एज हो गए, हमारे बच्चे जॉब का तो सबसे. यूथ ड्रग में लग गए हैं, जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं. इधर भी एनसी कांग्रेस का अलायंस है. एनसी कांग्रेस तो आप कहीं नहीं दिख रहा है. उनकी जो सियासत थी, जो खानदानी सियासत थी, वो तो खत्म हो गई. मोदी जी ने तो खत्म कर दिया उसको. भ्रष्टाचार और आतंकवाद वो उनके रगों में बसा हुआ. हमारे मकान थे, घर बार थे, वो सब इन्होंने नेशनल के जमाने में उन्होंने किया है, वहाँ अपने नाम करवाया है. उधर करना चाहिए मोदी जी को जब वो आए. देखिए, मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित. 1990 से लेकर अब तक जो है मेरे पे खाली सियासत की. कुछ लोग जिस हिसाब से अभी सपोर्ट कर रहे हैं किन पार्टियों को, वो उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है. लेकिन अगर आप पूरे कौम में जाएंगे, जो हालत खासकर इन 10 सालों में हुए, मुझे लगता है कि पहले इतनी नहीं होती थी. भगवान की कसम, मेरी सरकार से यही विनती है, या तो हमको खाने को दे दो या हमको कहीं भेज दो. साल से इनका रिलीफ राशन बंद है. रिलीफ जो कुछ कश्मीरी पंडित जो 108 रुपए पर डे मिलता है, वो इनको जो बंद किया गया है, जो कश्मीरी पंडित है. आप यकीन नहीं करोगे, हमारे बच्चों को एडमिशन मुश्किल से मिल रहा है. कि हमारे पास फॉर्मेलिटी कोई नहीं है, खाने को नहीं, लाखों लोगों को मिल रहा है. हम 50 फैमिलियों ने क्या कोई बाप किया है? While the Hindu minority of Kashmir has shown resilience and rebuilt their life, but many continue to be forced to live in squalor. Dilapidated houses at the Jagati show what a refugee life really looks like. The scars have gone too deep. मेरा मायके है लालपोरा में, कोपारा डिस्ट्रिक्ट में. जब हम माइग्रेंट हो गए हैं, तब हमारे पास प्रॉपर्टी थे, जमीन थे, सब कुछ थे हमारे पास. जब हम वहां से भागकर आ गए, फिर मेरे डैडी ने अपने दोस्त को बोला इसका देखभाल करना है, रखवाली करना है. क्या किया घर का? घर वर सब कुछ उन्होंने अपने नाम किया, ना पैसे दिया. अप्रूवल दिया था मेरे डैडी को, लिया कोर्ट में. उसको पता नहीं था मैं शादी पर थे, उसको एक्सीडेंट हुआ था उस समय मेरे डैडी का. उनको पता नहीं था कि प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो. उन्होंने ऑटो लिया, डैडी मारा को पता नहीं था. उन्होंने ऑटो लाया, उसमें लिया उसको कोर्ट पे. मेरे डैडी से साइन करके ले लिया वो जमीन वमीन सब कुछ. उन्होंने इंतकाल किया. As the Hindus dream of their homeland return, the government has taken some steps towards their temporary accommodation. Under PM package scheme for the Kashmiri Pandit employees, over 400 apartments are being constructed in Srinagar for their temporary stay during their employment. I've spoken to hundreds of people over the past 15-20 days across Jammu and Kashmir. And as I sign off from Mission Election Jammu and Kashmir, I can tell you a lot has changed. Unprecedented, unimaginable changes have taken place in Jammu and in Kashmir. But a lot needs to change here on. Cannot take it for granted, and the next elected government has a huge responsibility on its shoulder to cater to people and to regions that
that have for long faced a conflict, turmoil, and the rising spike in terror cases. Thank you for watching Mission Election Jammu and Kashmir, signing off with Nasir Aziz Khan, Pooja Shali.